रही हैं। सर आवाज मिल रही है? चलिए हाँ, गुड नमस्ते इवनिंग सर, आवाज मिल रही है? नमस्ते जी, नमस्ते, सबको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। चलिए, इस बैच के लिए तो आज हमारा पहला क्लास है। लेआउट करके नहीं है आप में, ऊपर में राइट साइड में लेआउट करके आ रहा है, लेआउट करके आ रहा है। ले लेआउट पे आइए, आ गया। देखिए ऊपर में फुल स्क्रीन करके है आपका ऑप्शन, फुल यस यस, मिल स्क्रीन गया व्यू, मिल उस गया। पर क्लिक हाँ करिए, मिल जाएगा। ओके, और हाँ जिनके पास मोबाइल है सिर्फ वो दो बार टेप करिए उसके ऊपर तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए। पहली पहली बार है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ये सब चीजें, तो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, उतना आइडिया रहता नहीं है। हाँ, क्या, और दूसरी चीजें बोलूंगा, जिनकी भी वीडियो ऑन है प्लीज वो वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि किसी और को जब आप बात करेंगे तो हमारी वीडियो बंद हो जाएगी, आपका वाला आ जाएगा, वो इंटरप्शन होती है, तो ऐसे भी चेहरा तो दिखता नहीं है। ऑडियो अपना ऑन रखिएगा बात करने के समय, ऐसे ऑडियो भी म्यूट रखिएगा, जब बात करना हो तो ऑडियो को अनम्यूट करके हमसे बात कर लेंगे, अब वीडियो फुल्ली म्यूट रखिएगा। हाँ, अगर किन्हीं को हमसे इंटरेक्शन करनी हो फेस टू फेस तो वो फिर ऑन करके बात कर सकते हैं, नॉर्मली ऑफ रखिएगा। ठीक है, ये दो बातें थी। और तीसरा कि हमने जो कोर्सेज बनाए उसके बारे में बता रहे थे, तो ऑलमोस्ट 13, 14, 15 कोर्स तक है, एक एक करके। इस बार 2021 में तो रेंडमली चला, 2022 में, 23 में हमने एक छोटी सी शेड्यूल बना रखी है टेंटेटिव, जो वेबसाइट पे डाल के भी रखा है, एक वेबसाइट भी खुद ही डेवलप किया हूँ अपने आप से, तो बहुत बेहतर नहीं है, बट जितना मुझे आया ट्राई करते करते मैंने उसको बनाया है, तो वहां पे डाल के रखता हूँ www.chandramouleshwar.com पे, कि कुछ भी चीजें सबको मिल जाए। आप लोगों का प्रेम भी बहुत मिला, हर बैच में लोग भरते रहे, आते रहे, कोशिश रहती है कुछ नया सिखाने की, करने की, बट एक चीज आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आफ्टर कोर्स के बाद या ड्यूरिंग कोर्स भी आप लोगों को कुछ भी लगे कि कोर्सेस में ये कंटेंट ऐड होना चाहिए या इस कंटेंट के बारे में बहुत कम डिस्कस हुई, क्योंकि ऐसा कोई नहीं आप लोगों में से है जिनको कुछ पता नहीं है, ब्लैंक मेरे पास पढ़ने आए हैं, सबको बहुत कुछ आइडिया है, और हो सकता है आप लोगों में से किन्हीं को हमसे भी अधिक आइडिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो आपके सजेशंस जरूर जरूरी रहेंगे, फीडबैक आइदर हमें मैसेज लिख के भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं, क्लास के बाद में भी बता सकते हैं कि कुछ कंटेंट हम इसको और मॉडिफाई कर सकें। स्टार्टिंग में जो RS-001 मैंने बनाया था बेसिक, 10 घंटे की सोच के बनाया था, आज वो कोर्स 30 घंटे की ऑलमोस्ट हो गई है, 30 क्लास की हो गई है ऑलमोस्ट, 25 घंटे की, तो वो हर रोज कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। जो अगले, अभी जो RS-004 पढ़ रहे हैं, जो मैंने पहला बैच किया था, दोनों के कंटेंट में बहुत डिफरेंस है, तो हर एक क्लासेस के बाद, हर एक बैच के बाद कुछ ना कुछ कंटेंट में, कोर्सेस में, क्लासेस में मॉडिफिकेशंस आते हैं, तो वो आप लोग के सहयोग से और आप लोग के फीडबैक से ही आता है, तो ये चीज मैं आपसे अनुरोध रहेगा कि फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लासेस कोर्सेस के बारे में। बाकी पुराने लोग तो सब पते हैं, जो नए लोग हैं, नए लोग बहुत कुछ उम्मीद से जुड़ते हैं, नई नई सोच लो के जुड़ते हैं, तो आप लोगों के मन में मेरे लिए कुछ सलाह सजेशन या आपके कुछ प्रश्न है, क्यूरियोसिटी है, तो क्लासेस से पहले पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला क्लास ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि आपकी भी मनसा को मैं समझ जाऊं, हमारी, मुझे क्या पढ़ाना है आपके साथ डिस्कस करना है, इस पे बातें कर लें। तो जितने नए लोग जुड़े हैं उनमें अगर किन्हीं के मन में कुछ क्यूरियोसिटीज हैं कोर्सेज के बारे में, क्लासेस के बारे में, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चलिए हेलो जी, सर, गुड इवनिंग नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर। मैं टेक्नीशियन सर, मैंने अभी अभी रिसेंट ही ज्वाइन किया है, जी और सर मेरी ट्रेनिंग तो हुई है, लेकिन सर ट्रेनिंग में एक साथ मुझे सब बल्क में मिल गया है पढ़ने को। चलिए, ट्रेनिंग में क्या पढ़े होंगे मुझे पक्की पता है, हम लोग भी उसी रास्ते से गुजरे हैं, इसलिए उसकी चर्चा विशेष नहीं है, आप सिग्नलिंग से फेमिलियर हो गए होंगे इतना पक्का है। हाँ सर, ये अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को देखूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये उसका नाम बता सकता हूँ, लेकिन वो काम कैसे करता है सर, वो उस रिले क्या पिकअप होता है, क्या ड्रॉप होता है सर, उसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सबकी वही स्थिति रहती है ऑलमोस्ट, आप अपने आप को अकेला मत समझिए इस मामले में, आपके सर साथ वो मेरे लिए बहुत इनिशियल फेज है सर, इसी वजह से मैं ये क्लासेस भी, मुझे बहुत नीड थी जो
ऐसा काउंसलिंग भी सर ज्यादा मिल नहीं पाती है सर, आप करवा दे रहे हैं सर, उसके लिए बहुत नहीं बहुत वो थैंक यू तो आपका। नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स को स्टार्ट करने के पीछे का रीजन भी यही रहा, हमने बहुत झेला। मैं 2009 में इनिशियली अपॉइंटेड हुई हूँ रेल में, आज 2023 चल रहा है, 12-13 साल हो गया। आज भी मुझे याद है कि पहली बार जब रिले रूम के अंदर में हम गए थे, मेरे साथ एक पुराना MCM था और वो बड़ा सा स्टेशन था एक, उसके रिले रूम में बहुत सारे वायर के बंच थे, इतना मोटा बंच था। तो मैंने पूछा बस ऐसे ही कि दादा इस वक्त करते क्या है, कि इतना सारा रिलेज है, आप बोल रहे हो कि सिग्नल होने के पीछे इसमें बहुत सारा ऑपरेशन है, तार है, फिर बोल रहे फेल्योर भी होता है, हम करते क्या है, फेल्योर क्या होता है। वो बताया कि करते तो मेंटेनेंस है, और फेल्योर ये होता है कि मान लीजिए कोई सिग्नल नहीं हो रहा है रेड से ग्रीन या येलो, उस पीरियड में इन्हीं सब तार के बंच में कोई तार टूट जाएगा, कोई कॉन्टैक्ट फेल हो जाएगा, कोई रिले काम नहीं करेगा, और मुझे विद इन 10 से 15 मिनट ढूंढना पड़ता है कि भाई एक फेल्योर कहाँ है। तो मुझे उस समय लगा था कि इसको तो हम 5 दिन में नहीं ढूंढ पाएंगे, इतना मोटा तार का बंच है, हजारों तार गया है, इतने सारे रिलेज हैं, लगभग उस रिले रूम में मुझे लगता है कि 900 से 1,000 रिले थे, बड़ा स्टेशन था, इतने सारे रिलेज हैं। और ये महाशय बता रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि पर्टिकुलर सिग्नल का, कोई भी सिग्नल है S1 है, उस पर्टिकुलर सिग्नल का R से LO होने का एक पर्टिकुलर पाथ है जिसकी ड्राइंग क्लियर कट दी गई है मुझे। मुझे सिर्फ उसको पढ़ने आना चाहिए कि S1 का YRHR नहीं हो रहा है, तो S1 के लिए ये 3 पाथ हैं जो मुश्किल से पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे अगर मुझे पता है तो, और उस पाथ में कौन सा कांटेक्ट एकाध या एकाध तार मिस्टेक होगा ढूंढने में 5 मिनट लगते हैं, इसलिए 15 मिनट की टाइमिंग है, फेल्योर रेक्टिफाई कर लेते हैं अगर आइडिया है तो। एक सेकंड, किसका फोन आ गया, एक सेकंड थोड़ा सा। जी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है क्लास के बीच में, फोन तो आएगा ही। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जब ये पता चला ना, तो उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि भाई कैसे होगा ये सब। लेकिन आज ये लगता है कि आपकी जितनी बड़ी रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली दूर से देखने में कठिन है, इसलिए कठिन है कि मैक्सिमम हम लोगों में से बहुतों को मालूम नहीं है। और बहुत जगह में क्या है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बीमारी है हम जानकार लोगों के बीच, कि हमारे पूरे यूनिट में अगर 100 टेक्नीशियंस या 10-20 JEE SSCs हैं, तो 10% के पास प्रॉपर जानकारी है जो उस यूनिट का मास्टर कहलाता है, कि एनकिस कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, फलना दादा को बुला लो, फलना भैया को बुला लो, कर देगा वो, कर तो देते हैं मदद, रेक्टिफाई भी कर देते हैं। जब पूछने जाइए कि आपने कैसे किया, ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो आपके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि एक्चुअल काउज ऑफ फॉल्ट क्या था और उसकी रेक्टिफिकेशन में उन्होंने क्या दिमाग लगाया। इस चीज के लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तो खुद मेहनत करें कहाँ भाई, हर किसी में तो इतनी ज्यादा सेल्फ असेसमेंट नहीं है कि हम नॉलेज भी गेन करें, मटेरियल भी ले आए, पढ़े भी, समझे भी, सब कर लें, ये सबसे संभव नहीं होती है। तो मुझे लगा कि इस बीच की कड़ी मुझे बनना चाहिए जो संघर्ष झेले ऑलमोस्ट लोगों के बीच में। तो जैसे अभी ये BPSC की कोर्स है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका फीचर्स क्या है। हमारे पास इक्विपमेंट के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो पैनल है जिससे ऑपरेट करते हैं, एक पार्ट है इस पैनल के ऑपरेशन के थ्रू जो लॉजिक सर्किट फंक्शन करता है, जैसे आपका रिले रूम एक तरह से कहिए, तो वो लॉजिक सर्किट के लिए इक्विपमेंट है जिसको हम UFSBI बोलते हैं, यानी मास मल्टीप्लेक्सर के जैसा वो काम करता है, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो वो UFSBI का पूरा लॉजिक को समझेंगे, यानी फीचर्स ऑफ ब्लॉक पैनल और फीचर्स ऑफ UFSBI। तो पहले तो इस दोनों चीज को समझेंगे, वो इक्विपमेंट है क्या, उसका ऑपरेशन होता कैसे है, उसमें जो पार्ट्स लगे हैं उसका काम क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं। इन दोनों चीज को समझने के बाद जो दूसरी चीजें हैं कि ये जो UFSBI है ना, ये एक चलता फिरता रिले रूम है, एक तरह से कहिए आपका चलता फिरता रिले रूम है। कुछ पार्ट्स लॉजिक में डाले हुए हैं और कुछ पार्ट्स इंटरफेस के रूप में फिजिकल रिलेज है। तो इसके लॉजिक सर्किट को मुझे पढ़ना है, क्योंकि एक चैनल है, जब आप किसी भी गाड़ी को एक स्टेशन से, इसे यहां पे आप समझिए,
आप इसी गाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ भेज रहे हैं, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। तो इसमें जो प्रक्रिया काम आती है वो हमारे पास जीआरपी मैनुअल है और ब्लॉक मैनुअल है, क्योंकि कोई भी चीज रेलवे सिग्नलिंग में हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, रूल्स के आधार पे ही करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जनरल रूल है और ब्लॉक मैनुअल है। ये जो कह रहा है इनके सेंटेंस को जस्ट लाइक में हम इस लॉजिक में कन्वर्ट कर दिए हैं, और उस लॉजिक को इनिशिएट कराने के लिए हमने एक पैनल दे दिया है कि यहां से कमांड दो, कमांड के हिसाब से ये काम करेगा, काम करने के बाद ये फिर रिजल्टेंट जो देगा इसके ऊपर इंडिकेशंस लेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जो फंक्शन है, स्टेशन मास्टर को ऑपरेटर बना दिए, ऑपरेट करने की कमांड देने वाला पार्ट इसको रखे एंड इंडिकेशंस, विजुअल एंड ऑडियो इंडिकेशंस देने के लिए, और प्लस इसके कमांड से जितने लॉजिक सर्किट फंक्शन करेंगे वो मैंने यहां बना दिया। तो लॉजिक सर्किट अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस काम करेंगे। आपके ऑपरेशंस कितने हैं, अगर सिंगल लाइन है तो एक ही लाइन में गाड़ी भेजना भी है और गाड़ी लेना भी है, यानी एक ही लाइन में हमें ये वाला भी लाइन क्लियर लेके गाड़ी भेज सकता है, ये वाला भी भेज सकता है। इसके पहले जो इक्विपमेंट हम बनाए थे, हमारे पास DLBI था और डबल लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए TLBI था। इन दोनों को हमने कॉपरेटिव बनाया था। कॉपरेटिव का मतलब कि स्टेशन ए वाला स्टेशन मास्टर को अगर कोई गाड़ी भेजना है, डिस्पैच करना है, तो वो स्टेशन अपोजिट वाले, मतलब जिसको भेजना है बी वाले से, जब तक कॉपरेशन नहीं लेगा वो अपने इक्विपमेंट को ट्रेन गोइंग टू में टर्न नहीं कर सकता है, ये संभावना नहीं थी। तो वो कॉपरेटिव था, इसके कारण डिले होती थी। कोई काम जो आपको स्वयं करना है और कोई काम जो आपको अगले से पूछ के या उनसे कंसेंट लेके करना है, तो दोनों काम के बीच में टाइम डिले होती है। हम आपको पता है कि हमारा जो S&T डिपार्टमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे तो सबका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेन चलाना, लेकिन सिग्नलिंग की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला है पंचुअलिटी, दूसरा है इंक्रीज सेक्शन कैपेसिटी, और तीसरा है बोथ वर्क लाना है विथ एडेक्वेट सेफ्टी, विथ एडेक्वेट सेफ्टी, यानी कि ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच या एक जगह से दूसरे जगह के बीच पहुंचाने में जो पंचुअलिटी का फंक्शन है उसको मेंटेन कराने के लिए हमारा काम है, यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ सेक्शन, एक सेक्शन में मैक्सिमम गाड़ी हम कितना भेज सकते हैं, यानी सेक्शन की सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। सेक्शन क्या होता है वो आपको पता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच के एरिया को भी सेक्शन बोलते हैं, और डिवीजन रूप से एक स्टेशन से 8-10 स्टेशन मिला के भी एक सेक्शन बनाया जाता है, उसको भी सेक्शन बोलते हैं। तो उसमें मैक्सिमम ट्रेन हम चला सके विथ फुल परमिसिबल स्पीड, उसको सेक्शन कैपेसिटी ये बढ़ाना है। बट इन दोनों काम को उस तरीके से करना है कि मिनिमम, मतलब जीरो ट्रेन एक्सीडेंट हो, मिनिमम तो नहीं कह जाए, दैट इज नॉट टॉलरेबल, जीरो ट्रेन एक्सीडेंट, यानी कोई भी अनसेफ ना हो, सो एडिक्वेट सेफ्टी का भी इंतजाम करना है। तो इन तीन चीज की ही मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ट्रेन चलाने का जिम्मेदारी है ही नहीं, वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है। सारे सिग्नल को उखाड़ के फेंक देंगे तो भी ट्रेन चलेगी, हाँ डिले होगा, तो हमारा जिम्मेदारी वो है नहीं। तो जब ट्रेन हम यहां पे चलाएंगे तो स्टेशन मास्टर को हमने क्या किया, यहां पे एडेक्वेट सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कॉपरेटिव से इसको नॉन कॉपरेटिव बना दिया, कि जो 2 सेकंड बात करने में, कंसेंट लेने में समय जाता था, आपको बात नहीं करना है। टेक्निकली हमने प्रूव कर लिया जो हमारा रूल्स बोलता है एक ट्रेन को यहां से डिपार्चर करने के लिए, और जैसे ही टेक्निकली ये प्रूव हो रही है, स्टेशन ए का मक्स स्टेशन बी के मक्स से आपस में टेक्निकली बात कर ले रहा है भाया मॉडर्न, और इसके थ्रू ये परमिशन दे दे रहा है कि हाँ भाई आप गाड़ी भेजो, अगले की जरूरत नहीं है, ये बिना इससे कुछ पूछे अपनी ट्रेन को TGT कर सकता है। ये प्रोविजन हमने इसमें दे दिया, इसलिए थोड़ी सी एडवांसमेंट इक्विपमेंट है, और बाकी जितने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं उसको यहाँ पे अचीव किया कि एक टाइम में दो गाड़ियां नहीं आ सके, दोनों से अपोजिट गाड़ियां नहीं आ सके, जब तक इसकी ओवरलैप क्लियर नहीं हो ये दूसरी गाड़ियां नहीं भेज सके, यानी सेफ्टी के जितने सारे फीचर्स आपकी इसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग में दी गई है,
ईच एंड एवरीथिंग उसी 4 पॉइंट पे पूरा सिग्नलिंग का लाखों करोड़ का बिजनेस टिका हुआ है। वो 4 पॉइंट लिखे रहते हैं इसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग में, कि आप ट्रेन मूवमेंट में इंटरलॉकिंग की क्या जरूरत है। तो उस इसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग को अचीव करने के लिए जो भी लॉजिक है यहाँ पे बनाते हैं। तो आपको अगर सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस के हिसाब से हमने आपको लॉजिक बताया कि किस सीक्वेंस में कौन सी लॉजिक आपको पढ़ना है। तो ईच एंड एवरी फंक्शन के लिए एक लाइन का सर्किट है बस। एक लाइन के सर्किट में 8-10 कॉन्टेक्ट कॉमन है, 4-5 कॉन्टेक्ट इंडिविजुअल है। तो किसी इन कॉमन पाथ में अगर प्रॉब्लम है तो कॉमन सर्किट पे ध्यान देंगे, और इंडिविजुअल पाथ में प्रॉब्लम है तो 4-5 कॉन्टेक्ट पे ध्यान देंगे। तो हमारी बेसिक नॉलेज अगर वहां तक आके अटक जाती है तो दैट मीन्स कि हमारे लिए कोई भी मेंटेनेंस या फेल्योर पकड़ना, सही बात है, 10 से 15 मिनट का टाइम टाइमिंग हो जाता है। और इसको हम किस में लाते हैं? MTTR में। आपके रेलवे के लिए कोई भी गियर्स जो OEM बनाती है उसके लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के दृष्टि से, कि उसकी MTTR मिनिमम हो और MTBF मैक्सिमम हो। व्हाट इज द MTBF? MTBF इज द मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। ये जो गियर बना के दिया इन्होंने RDSO को, बेचा 1 करोड़, 1.5 करोड़, 10 लाख, 20 लाख में, तो RDSO ने इससे बोला कि भाई ये बताओ कि आपके गियर का फेल होने का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो ये बोलता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी सर सबसे अधिक है, तो वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि फेल्योर नहीं होना है। इन केस गियर है, इक्विपमेंट है, फेल हो सकता है, मे बी किसी कारण से फेल्योर हो गया। तो हमारे जो टेक्नीशियंस या इंस्पेक्टर्स या इंजीनियर्स हैं, या उनके OEM के जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको उस फेल्योर को डिटेक्ट करने करके रेक्टिफाई करने की जो प्रोसेस आपने बनाया है, जो लॉजिक बनाया है, उसमें कितना समय लगेगा, तो वो मिनिमम होना चाहिए। दिस इज द मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन। ठीक है, दिस इज द मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन, उसको बोलते हैं मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन। तो वो मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए। तो ये दो चीज बहुत मायने रखते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, रिलायबिलिटी, जिसको रैम्स बोलते हैं, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड उसकी जो स्टेबिलिटी है, सब कुछ चीजें और भी आती है। तो बस सब चीज पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारी जो मेरा जो पर्सनल प्रयास है, मेरा पर्सनल प्रयास है कि आपको मैं उस गियर्स के बारे में बिल्कुल फेमिलियर करा दूं, उसके फीचर्स के बारे में फेमिलियर करा दूं, उसकी लॉजिक सर्किट कैसे काम करती है, उसका इंटरफेस सर्किट कैसे काम करता है, और वो इक्विपमेंट, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट आप किसके साथ इंटरलॉक करते हैं, फाइनली सिग्नल के साथ। तो आपकी जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसकी इंटरलॉकिंग होती है FSS और LSS के साथ। FSS किसको बोलते हैं? होम सिग्नल को, जो आपकी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, और LSS बोलते हैं एडवांस स्टार्टर को, जो आपकी लास्ट स्टॉप सिग्नल है। तो कोई भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की जो इंटरलॉकिंग होती है इसी दो सिग्नल से होती है, बीच वाले सिग्नल से उसको कोई मतलब नहीं है। तो FSS LSS के साथ कैसे इंटरलॉकिंग होती है, और लास्टली ऑपरेटिंग वाले का चीज कि उसका ऑपरेशनल सीक्वेंस क्या है, और ट्रबल शूटिंग में एक नॉर्मल, नॉट कह के ट्रबल की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितने टाइप के ट्रबल आ सकते हैं, बट एक जो कॉमन ट्रबल है वो सब चीज में हम लोग क्या क्या चीज थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रबल की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए उसमें ये नहीं कर सकते कि हम लोग ईच एंड एवरी टाइप के ट्रबल शूटिंग पे बात कर लेंगे, बट इन ए कॉमन। तो ये मेरा इसमें प्रयास है, और कारण यही है कि रेलवे में हम एक दूसरे के प्रति इतने लॉयल नहीं है कि हमारी जितनी नॉलेज है हम कि अपने कलीग को बता के उनको नॉलेज को बुस्टअप करें कि भाई अगर हम ना भी रहे तो तुम सीख जाओ। इस कमी को पूरा करने के लिए इस प्रयास लाए हैं। जी